हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई हो बढ़िया होंगे। तो मैं अभी हूँ मोरबी में, जो कि एक फैक्ट्री है, ये वाली, ये क्या नाम है इसका, ग्रेसर केरामिक। इंग्लिश इतनी ज़्यादा नहीं आती, थोड़ी कमजोरी है। तो ये फैक्ट्री है, तो इस फैक्ट्री में मेरी ट्रक आज अनलोडिंग होना है। तो ट्रक उधर रोका हुआ है, जो कि ये ट्रक खड़ा है ट्रक की साइड में, मतलब उसके बगल में ही मेरा ट्रक रुका हुआ है। तो रात के आ गए थे, मैं आ गया था रात के 10-11 बजे आ गया था। अगर आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा तो वो देख रहा हो, पहले नहीं देखा तो कोई बात नहीं, ये भी देख लो फिर वो देख लेना। तो अभी चलते हैं, चाय पी के आते हैं। चाय की तैयारी कर ली गाइस मैंने, तो उधर तो है नहीं, लेकिन उधर बता रहे हैं चाय। तो क्योंकि ना हर फैक्ट्री के अंदर, गुजरात में सिस्टम है, मोरबी के अंदर हर फैक्ट्री में आपको एक दुकान मिलेगी चाय वाली। तो अपने चलते हैं, चाय पी के आते हैं। तो इधर देखो फुल पानी रुका हुआ है, तो ट्रक को मैंने उधर है ना, उधर पानी नहीं था तो उधर ट्रक रोक दिया। तो ये फैक्ट्री वाले करीबन आएंगे 9-10 बजे के बाद में आएंगे, बिल भी जमा कराएंगे, फिर इसका होगा सैंपल, क्योंकि दूसरे माल का सैंपल नहीं होता। तो इसका अब सैंपल हो जाएगा, सैंपल होने के बाद में ट्रक 1-2-3 घंटे में सैंपल आ जाता है, फिर खाली हो जाएगी। तो अभी चलते हैं चाय पी के आते हैं, पहले पता करेंगे भाई चाय वाली दुकान है कहाँ पर। चलो चलते हैं। तो इसी के साथ गाइज मैं पहुंच गया अभी दुकान पे। तो इस छोटी सी दुकान होती है, लेकिन इसमें ना सामान सब मिलता है, तो होती छोटी है लेकिन बहुत सामान मिलता है। तो अभी मैं ले लिया चाय और पार्ले जी बिस्कुट है। तो ये है दुकान की लोकेशन, तो एक बार जरूर देखें। तो कुत्ता भी सोया हुआ है ऊपर के पास में, और तो कुछ थोड़ी चाय मैं ले आता हूँ गाड़ी में, और गाड़ी में चाय पीता हूँ तो, और बिस्कुट भी ले आता हूँ सुबह का, हमारा ये नाश्ता है गाइज। तो दोस्तों मैं आया हुआ हूँ अभी गुजरात। तो आपको पता ही है कि मैं पटना के रूट में चलता हूँ बिहार के रूट में। तो मैं बीकानेर से POP लोडिंग करके जाता हूँ पटना की, तो वहाँ से रामगढ़ से मैं लट्ठे लोड करता हूँ पंजाब का। तो अब की बार गुजरात जाने का रीज़न ये है कि वहाँ से जो कि लोह लेके आता हूँ मैं, तो वहाँ लोह का जो गेड़े का रेट था वो हो गया है अब कम, तो इसी के कारण मैं अब की बार यहाँ की भर के आ रहा हूँ। तो वहाँ पर हमारी बचत नहीं होगी, और चला भी जाता हूँ तो वहाँ पर दीपावली की छुट्टियाँ भी आने वाली है, तो उसी कारण मैं अभी आया हुआ हूँ गुजरात। तो अभी बना रहे हैं हम खाना, तो सब्जी तो हमने ऑर्डर कर दी है, तो वो तो ऑर्डर पे आ जाएगी, और हमें सिर्फ बनानी है रोटी। रोटी तो रोटी बना लेता हूँ, और फिर सब्जी तो ऑर्डर कर दी है, वो तो आ जाएगी 5-10 मिनट का कह रहा है। मैंने सेटअप यहाँ पर लगाया खाना बनाने का, लेकिन वो हमारे गैस या उसमें ना लीक हो गई, तो पूरा गैस निकल गई। तो मैंने पहले आटा कर लिया तैयार, लेकिन है ना पहले देखा नहीं था भाई गैस है कि नहीं है, मेरे हिसाब से तो फुल कराई थी लेकिन अब खाली है। एक तो बात माननी पड़ेगी, ड्राइवर एक दूसरे की मदद बहुत करता है। तो मैंने भाई को कहा भाई यार मेरे गैस का ख़त्म हो गया है और उसकी लीक थी, तो वो सिलेंडर पूरा हो गया खाली। तो भाई कह रहा टेंशन क्यों ले रहा है, मेरे वाली गैस है फुल भरी हुई है, टंकी ले ले यार, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पर एक शर्त है, मैं क्या, तो इसने कहा यार रोटियाँ सिखा दे यार। तो ये इधर साइड भीलवाड़ा का है, तो मैंने कहा यार चलो कोई बात नहीं सिखा देता हूँ, और भाई गैस दे देता है और मैं रोटी बना लेता हूँ। तो अभी चलते हैं छाछ लेके आते हैं, क्योंकि मैंने खाना बना कर वो तैयार कर दिया है। तो एक फैक्ट्री के अंदर दुकान थी लेकिन वो हो गई है बंद, तो अभी चलते हैं इधर बता रहे हैं आगे, तो वहाँ से लेके आता हूँ छाछ। तो इधर देखो गाड़ियाँ रुकी हुई है बहुत सारी, ये अपनी फैक्ट्री है जहाँ पर मेरे को खाली करनी है। तो ये देखो बहुत ही फैक्ट्री है यहाँ पर, करीबन 5-6 हज़ार होगी मोरबी के अंदर, इसका अलग क्रेज है, सभी टाइल्स की फैक्ट्री हैं। तो मैंने अभी छाछ ले लिया है, तो अभी चलते हैं फैक्ट्री में, तो खाना खाते हैं, भूख लगी हुई है, 2-3 बज चुकी है, अभी चलते हैं फैक्ट्री में।
तो दोस्तों आज हमारे होने वाली है बैंगन की सब्जी और रोटी है, पूरा घी लगाया हुआ है और छाछ है, दही नहीं है भाई। तो अंदर बहुत ही गर्मी अधिक है, तो मैंने अभी इधर यह फोम है जो कि टाइलों के डालते हैं ट्रक के अंदर, तो ट्रक की बॉडी और टाइलों के बीच में देते हैं कि टाइल टूट न जाए, तो इसका यूज़ तो अब मैं कर रहा हूँ। तो अंदर ट्रक के ट्राली है, ट्राली के नीचे तो पहले ये बिछा दिया और एक ये, तो अब सो जाता हूँ इसके ऊपर, आराम करता हूँ। तो बहुत सारे ट्रक खड़े हुए हैं साइड में, आधे तो टाटा की गाड़ी चलाकर बीमार हैं और बदनाम करते हैं लीलैंड गाड़ी को। पानी भर के रख दो गिलास की और पूरा चक्कर मार दो, वो पानी नहीं डूलेगा और स्लीपर की तरह चलती है। और तू कह रहा ना टाटा पिया हुआ पानी भी बाहर निकाल देती है, भाई साहब लीलैंड तो लीलैंड है। क्या हो रही है अनलोडिंग? तो ये मशीन जो है ना ट्रक के ऊपर चढ़कर फिर उतारती है, तो देखो तो ये है मशीन। तो काफ़ी वर्ष पहले इसको मिट्टी उतारने के लिए लेवर की यूज किया जाता था, लेकिन अब मशीन बन गई है तो रोजगार छीन लिया है लेवर का और अब सीधा मशीनों से ही उतार दी जाती है। तो ये देखो ये सिस्टम है, ये गाड़ी थी, ये मेरे से पीछे थी, लेकिन इन्होंने की माल जरूरत थी तो इसकी गाड़ी हो रही है, अब हो चुकी है खाली, तो मेरी हो रही है अभी अनलोडिंग। तो अब हो रही है मेरे ट्रक की अनलोडिंग। तो अभी मिट्टी उतर रही है कुलायत वाली बीकानेर से जो हम मिट्टी लेके आए थे, तो ये उतार कर तो फिर हम जाएंगे अपने टाइल्स का पता करेंगे, ट्रांसपोर्ट भी जा सकते हैं। और इधर उतार लिया तो इसी रोड पर माल गया मिल गया, तो और इससे भी बढ़िया है। तो दोस्तों मैं अभी हूँ मोरबी गुजरात के अंदर और मिट्टी अनलोडिंग कर रहा हूँ बीकानेर कुलाय से लेके आया था। तो ये मशीनों से ये मिट्टी उतारी जाती है और काफ़ी एक दो वर्ष पहले लेवर का यूज किया जाता था जो कि बिहार से होती थी, वो ही इसको उतारती थी, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता था। तो वक्त की बचत के लिए इस मशीन को बनाया गया और इसी का यूज करते हैं और इसको टाइम नहीं लगता और 20 मिनट के अंदर गाड़ी खाली हो जाती है। और लेवर वाले 5-5, 6-6 घंटा लगा दिया करते थे, 2-2, 3-3 घंटे लगा दिया करते थे और लेवर कम होती थी। तो अब इसको एक बंदे की जरूरत है और काम पूरा हो रहा है और टाइम भी कम लग रहा है, बहुत ही बढ़िया सिस्टम बनाया है। तो दोस्तों हमारे ट्रक की अब हो चुकी है अनलोडिंग, तो जितना उतर सकता था मशीन से उतार दिए और बाकी रह गया साइड से, तो अंदर चल के आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो तो साइड साइड से ये रह गया था तो मशीन से, तो ये लेबर वालों का बाकी काम होता है इसको उतारने का, तो वो रह गया साइड में, उस साइड में जो खूने ये मशीन से नहीं निकल सकते हैं, तो ये लेवर की यूज किया जाता है इसमें साइड से। तो भाइयों एक बार ये रास्ता तो देखो बहुत ही खतरनाक है, हमारे 3 एक्सल टायर जो कि ऊपर रहते हैं वो भी अब मिट्टी लग चुकी है, बहुत ही खतरनाक गहरा गड्ढा था और 42 टन डाला हुआ ट्रक में माल, बहुत ही खतरनाक वाला सीन था। तो हमारा ट्रक अब हो चुका है खाली, तो अभी करवाते हैं कांटा। तो उधर मेरे को पानी मिल गया, तो ये टंकी खाली पड़ी थी जो कि कभी हाथ धोने के लिए काम आ जाता है, जहाँ पर पानी नहीं होता है हाथ पैर धोने के लिए, तो पानी भर के इसमें डाल देता हूँ, ये करीबन 30-25 लीटर की है, तो इसको मैं भर देता हूँ तो आगे काम आएगी मेरे को। तो मैंने अपना ट्रक का कांटा करा के वहाँ ट्रक को रोक दिया है, तो अभी चलते हैं वहाँ से चेक लेके आते हैं, जो कि हमारा भाड़ा बनता है वो चेक पर ही देते हैं, कैश पेमेंट नहीं देते और कुछ नहीं देते, तो चेक पर लेके आते हैं। तो पहले क्या था, आधे घंटे घंटे का बोला था तो वो हो चुका है, तो अभी चलते हैं क्या कहता है, वो देता है कि और टाइम लगाएगा आगे, चलो चलते हैं। तो दोस्तों मैं इस फैक्ट्री का माल लेके आया था, तो इसने अभी दे दिया मेरे को चेक, तो चेक पैसे बने हैं 53,638, तो ये कल खाते में डलेगा, तो आज हमें लगाना पड़ेगा चेक बैंक में जाके,
तो ये हम नहीं लगाते, तो ये लगाते हैं ट्रांसपोर्ट वाले। मैंने कहा भाई मैंने लगाते हैं, सॉरी, तो ये लगाते हैं ट्रांसपोर्ट वाले, और ये पेमेंट जितना भी है ये जाएगा ट्रांसपोर्ट के। और आज हम फ़ोन कर देंगे, ले भाई चेक भेज देंगे, वो हमें शाम तक इतना पैसा डाल देंगे और वो अपने आप उसके खाते में आता रहेगा। तो ये है सिलसिला, तो चलते हैं गाड़ी में। तो अभी तक माल तो बोला नहीं है, तो पंजाब का ही लोड करेंगे, आगे रांची साइड नहीं जाएंगे अब की बार। फुल माल बड़ा है, फुल टाइल्स ही टाइल्स बढ़िया भैया, देखो चारों तरफ टाइल ही टाइल, भैया देखो टाइल ही टाइल बढ़िया, ये देखो फुल है, फुल माल मिला है, देखो किस प्रकार से अंदर डाला जाता है माल, बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री हैं। तो मैं फैक्ट्री से अभी रवाना हो चुका हूँ और नाइट भी हो चुकी है, तो यहाँ पर होटल नहीं थी खाना खाने की, तो भूख बहुत लगी हुई, तो हम वहाँ से चले गए हैं होटल पे सुल्तानपुर रोड पे। फिर हम आ जाते हैं पार्किंग में, क्योंकि है ना यहाँ पर पार्किंग में गाड़ी सही रहेगी। तो उधर साइड होटल है, इधर अपने ट्रक रोक दिया है तो अपने पार्किंग में, तो व्लॉग कर देते हैं यहीं समाप्त। आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया।